श्रीमान उमेश कठेरिया जी के नेतृत्व में हम सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस मांग को थानाध्यक्ष को देंगे और FIR दर्ज कराने के पश्चात ही अपने स्थान पर जाएंगे। इस आश्वासन को लेकर कि हम मुनव्वर राणा के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह करेंगे। इसलिए केवल और केवल उमेश कठेरिया जी इस विषय को थानाध्यक्ष के सामने रखेंगे। हम सब लोगों को उनका पूर्ण समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करना है। हमारी मुख्य मांग है मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी और अपने महापुरुषों का हम अपमान नहीं करेंगे। यही दो नारे लगे, महापुरुषों का अपमान नहीं करेगा हिन्दुस्तान, मुनव्वर राणा को गिरफ्तार। ठीक है, मुनव्वर राणा मुर्दाबाद, आपको ज्ञात है कि कल दिनांक 20 अगस्त 2021 को शायर मुनव्वर राणा ने भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। शायर ने महर्षि वाल्मीकि जी की तुलना तालिबानी आतंकियों से की है। इससे और अधिक आगे जाते हुए इसने हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम्हारे मजहब में तो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ऐसा कहकर इस शायर ने संपूर्ण सनातन समाज का उपहास उड़ाया है और सनातन समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। इससे संपूर्ण सनातन समाज में समाज बहुत ही आहत है। इससे पहले भी ये शायर समाज को तोड़ने वाले ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दे चुका है, क्योंकि अभी तक इसके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए लगातार इसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपने बयानों से मुनव्वर राणा नाम का शायर यह देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहता है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि ऐसे असामाजिक और गैर जिम्मेदार देश में वैमनस्य फैलाने वाले विकृति मानसिकता के शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ देशद्रोह अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत एवं देश में दंगे फैलाने का षड्यंत्र रचने का अपराध दर्ज किया जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ये इस तरह के बयान न दे पाए।